ये इनकी बखलाहट है। असल में सीएम साहब ने कहा है कि जो पहले चल रहा था वो पहले जैसे ही चलेगा, लेकिन 100 यूनिट बढ़ जाएगा। मतलब 100 यूनिट जो है, जिनको 200 यूनिट फ्री मिल रहा था, अगर उनका बिल 310 यूनिट का आता था तो उनको 110 यूनिट का बिल आता था, लेकिन अब उनको 10 यूनिट का बिल आएगा। ये क्लियर कर देना चाहते हैं हम। तो इसमें कोई अकाली दल वाले सब ऐसा बोलते रहेंगे, उनको ये भी पूछ लेना आप कि जो एग्रीमेंट किए हैं वो किसने किए थे, वो किसकी गवर्नमेंट में किस समय में हुए थे, जो 6,000 करोड़ बिना बिजली खरीदे ही हमें देना पड़ गया। तो ये अकाली दल की बौखलाहट है। गारंटी दे के जा रहे हैं, हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि पहले कैबिनेट के पहले डिसीजन में ये होगा कि जो फ्री बिजली है मुफ्त बिजली है। और ये भी कोई स्टेट को कोई हम कर्जे के नीचे डालकर नहीं हम करने वाले। हम जैसे दिल्ली में हमने किया कि लीकेज बंद की, माफिया जो है उस पर कंट्रोल किया, और जो पुल जो ओवरब्रिज 350 करोड़ में बनने का दादा था उसको 200 करोड़ में बना के 150 करोड़ रुपया बचाया, तब जाके दिल्ली में जो फैसिलिटी ऐसी मिली है। और दिल्ली में जितनी फैसिलिटी मिलती है उसकी वजह से 1 रुपया भी स्टेट को कर्जा झेलना नहीं पड़ा। दिल्ली स्टेट भी मुनाफे में है, बजट भी बढ़ गया, रेवेन्यू भी बढ़ गया और लोग भी खुश हैं। तो इसलिए 300 यूनिट का मतलब ये है कि हर घर को 300 यूनिट माफ होगा, और उसके ऊपर जितने भी यूनिट अगर उसमें ऊपर जाते हैं तो उन्हें उतने ही यूनिट्स का बिल आएगा। 300 तो मतलब जो है वो माइनस हो ही जाएंगे। एक जरा सवाल उधर पूछा गया सीगा, जेड़ा सवा 3.5 लाख करोड़ रुपए का जरा कर्जा है पंजाब के उत्ते, उसनु किवें मैनेज किया जाएगा ओदा ओदे बारे कुछ? सारा रोड मैप है, IRS ऑफिसर ने, इंडियन रेवेन्यू सर्विस दे, इनकम टैक्स दे कमिश्नर ने अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सब पता है कि पैसा किवें जनरेट करना है और कितने लाना है, कितों लेके आना है। सो इस करके लीकेज जी बंद होगी, माफिया राज बंद होगा, ईमानदार लोगों की सरकार आऊगी, तो यही जो पंजाब का जो बजट है वह भी बच जूगा। या जिहड़ा लखां करोड़ों के कर्जे जिहड़े चढ़ाते साढ़े उत्थों, लोगों ने तो देखो टैक्स दिते ने ना, लोगों को तो हर गल ते टैक्स देना पैंदा। माचिस जिहड़ी है वो तो लैके जदों तक सौने आ उ तक सारे टैक्स ही टैक्स चलते हैं। तो ना कोई नवा स्कूल बनाया, ना कोई नवा कॉलेज बनाया, सड़कां प्राइवेट कंपनियां ने बनाइया, उन्होंने उत्थे टोल टैक्स ला ले, तो ना कोई नवा हस्पताल बनाया, तो फिर खजाना खाली किवें हो गया? लोगों ने तो खजाना भरया ना, खाली करने वाले कौन ने जिहड़े ये कहिंदे ने? अकाली दल, BJP ते कांग्रेस वाले खजाना खाली करने वाले ये ने। सो खजाना भी भरया जाता है, सब कुछ हो जाता है, जिवें दिल्ली होया, नीयत साफ होनी चाहिए। देखो सिद्धू साहब तक कांग्रेस के नेता ने, वह अज दिल्ली गए हुए ने, वो अपनी हाईकमान में गल करते हैं, साढ़े ना तो कोई लेना देना नहीं, ना ही साढ़े कोई दिल्ली गल हुई है, ना ही साढ़े कोई पंजाब गल हुई, हजे जिन्हें जो होगी सब तो पहले तुम दसा तो सुने।